बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। रमज़ान भी ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे। रमज़ान के हवाले से एक रेसिपी लाई हूँ ज़बरदस्त सी, जो एक मेरी फ्रेंड बनाती है। बहुत ही मज़ेदार कबाब्स होते हैं, वो हैं जी बीफ आलू कबाब। आलू मैंने रखे नहीं थे अभी, मैंने याद आया मुझे कि मैंने आलू रखे ही नहीं, तो मैं इसलिए आलू रख के बता रही हूँ कि ये आलू लेने हैं आपको 5 तकरीबन मीडियम, और ये आधा किलो के बराबर गोश्त है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जो मसाला है ये है अपना, ये जो मैंने बनाया था पुलाव वाला मसाला, मैं इसकी वो रेसिपी ऊपर शेयर कर दूंगी पोस्ट में। ये गरम मसाला है 1 चमचा, और ये नमक, और ये रेड चिली साबुत, और ये अदरक है, इसको कद्दूकस कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो गलती नहीं है फिर, तो इसलिए कद्दूकस करके ये, और ये लहसुन है, ये पूरा एक बंच जो होता है वो है। ठीक है, अब हम इसको बनाने जाते हैं जी। तो सबसे पहले जो है हम आलू बॉईल करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा नमक डाल के आलू बॉईल करेंगे, और इसको गोश्त को हम कुकर में शामिल करेंगे। और ये जो मसाले हैं, एक्चुअली जब हम मसाला इसे पिसा हुआ इसलिए डाल रहे हैं कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए और वो सारे मसाले जो हैं मतलब मुँह में ना आए, तो ये सब इसमें मसाला जाएगा और ये भी इसमें जाएगा। ठीक है, इसको यखनी बनानी है, यखनी बनाने के बिल्कुल यखनी बना के इसको सुखाना है। सही है, तो अब हम इसको चढ़ा देते हैं, और जब ये गल जाएगा पूरा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह से इसको ये सुखाएंगे थोड़ा, और फिर जब सूख जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या करना है। हाँ जी, तो ये मैंने कैमरा सेट कर लिया है ऊपर, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आलू जो है पील हो गए हैं बॉयल होके, इनको हमें क्या करना है, मैश करना है। ठीक है, और ये जो गोश्त है इसको हल्का सा हमने सॉसी सा छोड़ा हुआ है, इसको भी मैश करना है। कुकर में ही कर रही हूँ मैं, ताकि ये आराम से मैश हो सके। अब ये मैंने पहन लिए ग्लव्स क्योंकि इसमें मिर्चें हैं, और दूसरा ये कि इस हाथ में कट भी लगा हुआ मेरे, तो इसके लिए मैं इसी तरह करूँगी। ठीक है, अच्छी तरह ये देखें ऐसे करके अच्छी तरह मैश करूँगा इसको। अब आलू जो है इसमें से मैं थोड़े से निकालूंगी, कभी ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़े से हम जो है आलूओं को इसमें से निकाल लेंगे, साइड पे कर देंगे। पहले हम देखेंगे कि ज़रूरत है तो सही है, वरना तो नहीं पड़ेगी तो इसी में डाल देंगे। अब ये पूरा जो बैटर है इसमें डाल दिया। ठीक है, अब हमने इसको इतना अच्छा सा करना है, इसको मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको मिक्स करना है। मैं इसको मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ, वरना लेंथी हो जाएगी वीडियो। अब देखिए हमें पता चल रहा है कि ये गोश्त सही है इसके साथ, तो ये हम पूरे आलू भी डाल देंगे, यानी 5 आलू और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ। अब इसको अच्छी तरह से मैश करके बताती हूँ। जी, तो अब हम जो है इसको हरी मिर्चों को लेंगे, जितने हिसाब से आपको हरी मिर्चें रखनी हो उस हिसाब से आप लें, और हरा धनिया इसको पीसेंगे, लाइक चॉप कर लेंगे बहुत बारीक सा, और उसमें मिला देंगे। और उसमें तलते हुए जो है 3 अंडे डालने हैं। अभी मैं जब तलूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी 3 अंडे डाल के उसको मिक्स करके, फिर मैं उसको उसको शेप दे के फिर मैं दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। अभी इसके अंदर ये मिला देंगे, और इसको इसी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे जी। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया इंशाल्लाह, फिर मैं आपको तलते हुए दिखाती हूँ। अब जो है ये इसको शेप देना है। ठीक है, शेप दे के बस अंडे में डाल के, अब आपकी मर्जी, और लंबे भी बनाते हैं लोग, मैंने लंबे भी बनाए और राउंड में भी बनाए, तो
ऐसे भी तल सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी करना चाहें तो चावल के आटे में भी कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो चावल का आटा यूज़ करें, आप चाहें तो नहीं करें। अगर क्रिस्पी करना है तो आप कुछ भी इसके ऊपर, जैसे कॉर्न फ्लोर है वो भी डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे, उसके बगैर भी बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। मैं आपको वो वाला भी ट्राई करके दिखाऊँगी। ये एक शेप हमने ऐसे बनाया है, इसको मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। ये बग़ैर उसके राइस फ्लोर के बनाया मैंने, ये देखें बहुत अच्छे, अंदर से नरम है और ऊपर से क्रिस्पी हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं।